गया में पति के अवैध संबंध को लेकर पत्नी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान पत्नी और उसके बेटे ने प्रेमिका के बाल काट दिए, जिसके बाद पति ने FIR दर्ज करा दी है। पुलिस ने पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे संपर्क में एक महिला खुशबू कुमारी जी हैं। मेरी पत्नी जो है वो शक के आधार पे मेरे कपड़े की दुकान है, उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों काम करते हैं, बट मेरी पत्नी जो है विकृत मानसिकता की वजह से हर वक्त शक के आधार पे तरह तरह के लोगों को पूछताछ करना, तरह तरह के मेरे फ़ोन को कॉल को हैक करके, मेरे पूरे फ़ोन को हैक करके तरह तरह के सवाल जवाब करना, ये उनकी फितरतों में शामिल है। और इस दरमियान मैं जब दुकानदारी के सिलसिले में किसी भी व्यक्ति विशेष से बात करता हूँ तो उन्होंने शक किया, और ऐसे ही करके वो मेरे जान पहचान की एक महिला खुशबू कुमारी जी हैं, जिनका कि मालनपुर में कपड़े का दुकान है, उनके दुकान पर अपने सपरिवार दल बल के साथ उनके दुकान पर गई, जिनमें उनकी बहन, उनके बहन के पति, उनके जीजा जी के लड़के, उनकी माता जी, उनके दो भाई क्रमशः शामिल हैं, ठीक है। और ऐसा करते हुए वो उनकी दुकान पर पहुँचे, उनके दुकान पर पहुँचने के बाद उनको गाली गलौज दिया भद्दी, और उसके साथ ही साथ उनको हथियार का भय दिखा करके उनके कपड़े फाड़ते हुए, सोने का चैन छीनते हुए, उन पर जो है रोड पर घसीटते हुए उनके पूरे सर को उन्होंने धारदार हथियार से मुड़ दिया। मुड़ने वाले का नाम मेरी पत्नी और उनके पूरे परिवार के, सभी का नाम नवल किशोर प्रसाद, सौरभ गुप्ता, रिंकू गुप्ता, मुकेश, सुशील, उनकी माता जी। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक कपड़ा व्यवसायी राकेश कुमार गुप्ता को प्यार करना काफी महंगा पड़ा। कपड़ा व्यवसायी की पत्नी का आरोप है कि उसके पति का अवैध संबंध चल रहा है। इस बारे में पत्नी को जानकारी होने के बाद वो कथित प्रेमिका से मिलने के लिए दुकान पहुंच गई। अवैध संबंध के शक के बाद पत्नी पुष्पा ने अपने बेटे के साथ मिलकर प्रेमिका की जमकर पिटाई की। उसके बाद उसने प्रेमिका के बाल काट दिए, जिसके बाद कपड़ा व्यवसायी ने पीड़िता का साथ देते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। बताइए। मेरे दुकान पर आकर के लोग मारपीट किया है, वहाँ से घुसते हुए ला करके और गाड़ी में मारपीट किया, बाल पूरा मोड़ दिया, काट दिया कैसे से। क्या रोक लगा रहा है? मेरे पति से बात करती हूँ, वैसे पूरा सर। आप क्या काम करती हैं? क्या मेरे कपड़े का दुकान है। कहाँ पे है? मारनपुर। तो इनके दुकान पे कैसे आप आए? हम मेरे दुकान पर ये नहीं आए, आप उनके दुकान पर। क्या मेरे दुकान पे ये लोग पहुंची है? अच्छा, वहाँ पे मारपीट की है, वहाँ से घिसटू लाई और गाड़ी में मारपीट भी की है, चाकू को भी दिखाई है, काटी भी है, मेरे बाल भी काटी है। अब आप क्या चाहती हैं? सब चाहते हैं। हालांकि इसके बाद भी पत्नी पुष्पा के द्वारा कोतवाली में भी हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। इसके अलावा पति के साथ जमकर धक्का मुक्की की। आरोप लगाया गया हंसुराज और पुष्पा कुमारी दोनों। ये जैसा अभी तक मामला आ रहा है क्या कि ये हंसुराज को शक है कि उनके पिताजी को कुछ ये खुशबू कुमारी जो महिला है उससे इनका गलत संबंध, इसी शक में ये इस तरह से उसके साथ मारपीट और ये सब घटना की है। सर, किसी महिला का मुंडन कर दिया गया, इस पर क्या मतलब आरोप है? कोई खुशबू कुमारी के मुंडन का है आरोप आया, तो बहुत गंभीर मामला है। हाँ, तो इसमें हम लोग केस करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। वहीं पीड़िता और व्यवसायी के बयान पर महिला के बाल काटने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने पत्नी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।